इससे स्कूल हजारों दर्जे बेहतर है क्योंकि स्कूलों के अंदर हॉस्टल नहीं होते हैं उनमें यहां ये यह बच्चों उनके साथ टीचर्स ये काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन मौलियों के पास रात के वक्त भी बच्चे अवेलेबल होते हैं दिन के वक्त भी पर्दे में भी अवेलेबल होते हैं ये बच्चों के साथ मुंह काला करते हैं मदरसों का पूरा चट्टा बट्टा मुझे पता है तमाम में फिक्र का बच्चियों के साथ ये क्या करते हैं बच्चों के साथ क्या करते हैं और जिस फारुग तहसील बच्चे ने अल्लाह को जान देनी है ना अल्लाह से डरता है इस मदरसे से पढ़ा हुआ मौलवी उसको के कुरान पे हाथ रख के ना मेरी बात का इनकार कर दे जो मैं बातें कर रहा हूं इनके मदरसों में ये काम नहीं होते और तकरीबन सारे मदरसों में कुछ कुछ चीजों का खिलाफ सिर्फ पंजाबी इसी में पंजाबी में मुझे बोलता हूं मैं आज फिर बोला कुत्ती चौराना धर ली है की जिम्मेदारी है कि वो दीन की हिफाजत करे जैसे कुत्ता जो है वो घर की हिफाजत के लिए रखा जाता है ना और अगर कुत्ता जो है वो चोरों के साथ मिलके और साथ लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर देरी करो और फला जगह पर इसको पंजाबी में कहा जाता है कुत्ती चोरा ने यहमा सू मैं सब उलमा की नहीं बात कर रहा मनु पूछ नहीं लेना के सही नहीं पता असल वर व इंजीनियर मिर्जा की घटिया सोच घटिया जहनीत घटिया बातें गलीज़ गिरी हुई एग्ज़ैम्पल्स, घटिया तरीन पंजाबी के मुहावरे और पंजाबी ज़बान इससे तो आप सब वाकिफ़ ही हैं इससे पता चलता है कि आदमी कितना लो लेवल आदमी है और इसको सुनने वालों की जहनीत भी पता चलती है कि वो किस किस्म की ख़ुराफा को घटिया बातों को पसंद करके इंजॉय करके उसको समझते हैं हिदायत का मामला है अफसोस होता है इन लोगों पर कि कितना गिर गए हैं असफला साफिलीन हो गए हैं कि घटिया चीज़ों को वो पसंद करने लग गए हैं। अब क्या कह सकते हैं किसी को किसी का लेवल अगर इतना गिर गया हो कि वो इस किस्म की बातों को इंजॉय करता हो वो के ऊपर बहुतान लगाने को इंजॉय करता हो पाग दामन औरतों के ऊपर बहुतान कोन्जॉय करता हो और किसी के ऊपर कुछ भी कह देने को इन्जॉय करता हो तो ये उसकी कमजरफ़ी और घटियापन है लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को जो हम जवाब देते हैं कुरान की रोह से बिल्कुल ठीक है ये जवाब देना बल्कि हम तो बहुत एहतियात करते हैं क्योंकि हम मिर्ज़ा साहब के लेवल तक गिर नहीं सकते ना तो इतनी घटिया तो यानी वो तो इतना इस तरह का गिरा हुआ लेवल तो नहीं हो सकता ना तो हम तो जवाब देते हैं अदब वग़ैरह के दायरे में रहते हुए कोशिश करते हैं अपनी तरफ़ से क्योंकि यू नो इट्स इट्स टू लो बहुत लो लेवल है और पता नहीं इंजीनियरिंग की है कहाँ से की है तालीमी इदारे में ख़ुद भी कभी गए हैं या जिस तरह क़ुरान करीम को ये समझते हैं जो कि इतना आला और अरफा दर्जे का इल्म है से मुबारक का इल्म घर में ख़ुद ही पढ़ लिया तो शायद कहीं इंजीनियरिंग भी तो घर में नहीं कर ली इन्होंने अल्लाह बेहतर जानता है तो कुरान करीम में अल्लाह अजा वजल इरशाद फरमाता है सूरत तो शुरा है ये क़ुरान करीम की फोर्टी सेकेंड शूरा है इसकी आया नंबर फोटी में अल्लाह फरमाता है वज वो सई ए तीन ए तुम इसलूह और बुराई का बदला उसी तरह की बुराई है वैसे तो उसी तरह की बुराई होनी चाहिए लेकिन आपको पता है हम इतना गिर नहीं सकते तो हम इस के लिए एक लेवल रखते हुए बात करते और इसी तरह फ मन आफ़ा और जो माफ़ कर दे वो असल और मामले को दुरुस्त कर ले तो फ अजर अल्ला तो उसका अजर अल्लाह के पास है इन्ना ला युहब्बु वालिमिन तो अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता तो अब अगर बात हो रही है बदले का बदला देना तो ठीक है अब हम इतना तो गिर नहीं सकते हम फिर भी ऊपर रह कर ही जवाब दे देते हैं और असला जवाब देते हैं कि असलाह हो जाए उन गुम इन गुम करदा राहों की और इन गुम करदा राह शख़्स इंजीनियर मिर्ज़ा के फॉलोअर्स की असलाह हो जाए तो इसी लिए लेकिन कुरान की रो से ये जो बातें करते हैं इसका तुर्की व तुर्की जवाब दिया जा सकता है और क़ुरान की रो से गलत भी नहीं होगा और सही मुस्लिम की रिवायत के रो से इस तमाम मामले का वबाल भी इंजीनियर मिर्ज़ा के सर पर ही है वो हदीस भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो इब्तदा करता है वबाल उसके सर पर ही आता है तो इसलिए हमारे ऊपर तो कोई बवाल है ही नहीं अगर हम इनका जवाब देते हैं तो कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल ठीक जवाब है लेकिन अगर कोई मुआफ़ कर दे तो ठीक है वो अवल बेहतर है लेकिन बदला देना भी जायज़ है और अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता और जो इब्तदा करे तो वो जालिम ही हो गया इस मामले में ठीक है तो बहरहाल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप ऐसे क्यों कहते हैं और वैसे क्यों कहते हैं हम तो ऐसे वैसे कुछ नहीं कहते हम तो बड़े आराम से बड़ी खुशबी से बड़े प्यार से एक वक़ार और लेवल में रहते हुए बात करते हैं हम थोड़ी इतना घटिया और गिर सकते हैं मिर्जा साहब की तरह तो आपने इसी वीडियो के शुरू में मिर्जा साहब की बातें भी, भी सुन ली और इनकी ज़बान भी सुन ली तो अब फैसला आपके हाथ में मुझे पता है इनके अंधे भक्त आके डिसलाइक करके चले जाएंगे जैसे पिछले वीडियो पे आके डिसलाइक करके चले जाते हैं और जब इनकी डिसलाइक्स बढ़ जाते हैं तो आके फिर कमेंट करना शुरू करते हैं अपने डिसलाइक से अंदाज़ा कर लो कि लोगों ने इस बात को कितना नापसंद किया है लोगों ने नहीं अंधे भक्तों ने अंधे भक्तों ने।, ने।, ने क्योंकि भीड़ के छत्ते की तरह आके डिसलाइक मार के चले जाते हैं और जवाब तो कोई होता नहीं क्योंकि पहले तो ये मांगते थे ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वीडियो लेके आए अब वीडियो भी आ गई इन कॉन्टेक्स्ट भी आ गई अब जवाब कोई है नहीं सिवाय इसके के डिसलाइक आसान होता है ना डरपूक लोग हैं जैसे उस्ताद है वैसी शागिर्द हैं उस्ताद भी भगोड़ा शागिर्द भी भगोड़े शहर में आओ इनविटेशन पे उस्ताद सब भाग जाते हैं करामत गायब हो जाते हैं उसको भी अपनी करामत बताते हैं आए तो करामत मैं ना निकलूँ तो करामत अजीब इनके पास करामत की डेफिनेशन है खैर बहरहाल उस पर हम पहले बहुत बात कर चुके हैं मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है अल्लाह इन्हें हिदायत दे इसी ही हमारी कोशिश है अस्सलाम वालेकुम व असल व बरकातहू और मैं आपसे वो हदीस वारका भी शेयर करता हूँ जिस हदीस का मैंने अभी आपको रेफ़रेंस दिया सही मुस्लिम की तो सही मुस्लिम में हदीस नंबर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी वन है जो द बुक ऑफ वर्चूज़ में आती है तो उसके अंदर जो हदीस मुबारक आती है हदीस नंबर सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी वन कि हज़ूर अक्रम सल्ला वसलम ने इरशाद फरमाया कि एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले जो कुछ भी कहते हैं इसका वबाल पहल करने वाले पर है जब तक मज़लूम हद से तजावुज़ ना करे तो मिर्ज़ा साहब जो है उन्होंने स्टार्ट किया है और क्योंकि वो स्टार्ट करते हैं और हर मामले में आप उठा के देख लें ये स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको शोशे लगाने का शौक़ है इनकी ज़बान में इनकी दुकान इसी तरह चल रही है इस सस्ती शोहरत से कि लोगों की तस्वीरें लगा के लोगों के ऊपर किरदार कशी करते हैं कीचड़ उछालते हैं आ, आ, लोगों के बारे में अजीब व गरीब से आरा का इजहार करते हैं उल्टी सीधी आ, मिसालें देते हैं बिकॉज़ ही इज़ जस्ट लुकिंग फॉर अटेंशन इनको अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है और इनको साइकोलॉजिकल किसी साइकट्रिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से इन्हें हेल्प सीख करनी चाहिए क्योंकि मेंटली ये स्टेबल नहीं है तो बहरहाल जहाँ तक वबाल का ताल्लुक़ है तो ये जितने भी जवाब हम मिर्जा साहब को देते हैं इसका वबाल इन्हीं सर है और इन क्लिप से भी आपको ये बात वाज हो गई होगी कि मिर्ज़ा साहब की क्या ज़हनीत है कैसी इनके थॉट प्रोसेस है और किस किस्म की आवारा बाजारू गिरी हुई घटिया सोच और ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमें कोई और तफसील देने की ज़रूरत नहीं है इसी से पता चलता है कि आदमी का ज़र्फ़ क्या है और कितना घटिया आदमी है डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ट सै सात